नहीं, वो कुछ चर्चा करनी हो, कोई बात कहनी हो तो रख सकता है। उसके उपरांत हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त नाटक पे। तो वापस से स्वागत है मैम उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से, मैं आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप अपनी कक्षा को आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। हाँ जी सर। तो जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि आधे अधूरे नाटक के विषय में बहुतों ने जाना, और बहुत जो है स्टूडेंट विद्यार्थी जो गण थे उसमें से अधिकतर विद्यार्थियों ने आधे अधूरे नाटक की जो है नाटक को पढ़ भी चुके हैं, और उनको जो है नाटक पढ़ने के दौरान या उनको जो है नाटक के पढ़ने के दौरान जो भी उनको जो है उनकी जो भी समझ बनी होगी वो नाटक को बनकर ही एक जो है समझ जो है उनकी बनी होगी, और वो उन समझ के साथ ही जो है नाटक को लेकर आगे बढ़ गए होंगे। और साथ में चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि पिछले जो कक्षा में कुछ छूटा हुआ था, जैसे सर ने कहा कि जो है उस पर मैं यहाँ पे आराम से जो है चर्चा करूंगी। और जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में कहा था कि जैसे आधे अधूरे जो है वो मौजूदा जो समकालीन परिवेश है, खास करके मध्यवर्गीय परिवेश की जो है समस्याओं को या फिर विडंबनाओं को या फिर पारिवारिक जो विघटन है जो शहरी या शहर में मध्यवर्गीय जो शहरी परिवेश है या परिवार में जो विघटित जो परिवार है उनको यहाँ पे या उनकी समस्याओं को यहाँ पे मोहन राकेश ने बड़ी ही बारीकी से या बहुत ही जो है अच्छी तरह से यहाँ पे रखा है आधे अधूरे के माध्यम से। और वास्तव में यह जो नाटक है ये जो है हालांकि मौजूदा जिंदगी या जीवन की विडंबना की जो है बहुत सारे बिंदुओं को जो है यहाँ पे रेखांकित करती है, और यहाँ पे हम जो है स्थितियां परिस्थितियों या मनस्थितियों के जो है यथार्थपरक या विश्वसनीय जो धरातल की जो हमको शेयर करनी है वो जो है मोहन राकेश यहाँ पे हमको जो है मौजूदा जो भी जिंदगी है उनकी जो है पात्र की चाहे मनस्थिति हो या परिस्थितियां हो या चाहे जिस प्रकार की जो यथार्थपरक जो भी परिस्थितियां रही हो उन उनसे जो है हमें मौजूद करवाया है मोहन राकेश जी ने। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पिछली कक्षा में कि यहाँ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है इस नाटक की इसकी भाषा है, ठीक है, और इसमें वह सामर्थ्य भी है जो समकालीन जीवन के जो है तनाव को पकड़ सके, समकालीन जीवन के पक्षों को बखूबी रूप से जो है यहाँ पे रख सके। और जैसे आप लोग सारे विद्यार्थीगण तो वाकिफ ही होंगे जो जो पात्र हैं, जिसने सावित्री, महेंद्र नाथ, फिर उनके तीन बेटे, सॉरी एक बेटा और दो बेटी, अब बाकी जो है तीन चार जो अन्य पुरुष के रूप में यहाँ पे हमने देखा, जुनेजा को देखा, सिंघानिया को देखा और जगमोहन को देखा, और फिर जो है कहीं ना कहीं मनोज का भी जिक्र होता है जो बड़ी बेटी का पति बन चुका है। तो इन सभी पात्रों को हमने यहाँ पे देखा, और मूल रूप से जो है यहाँ पे ये जो घटना ही है या ये जो कहानी की जो कथा ही है जो है वो एक तनाव भरे मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से शुरू होती है, जिसमें आपस में जो है ताना बाना जो है पारिवारिक जो ताना बाना एक प्रकार से उनमें तनाव ग्रस्त स्थितियां जो है मोहन राकेश ने दिखाया जो तनाव से भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पति पत्नी के जैसे महेंद्र नाथ और सावित्री के जो है आपस में सामंजस्य या उनमें आपसी तनाव के कारण, पति पत्नी के आपसी तनाव के कारण परिवार की जो विद्रूपताएं होती हैं या कह ले कि सामंजस्य ना होने के कारण, सामंजस्य की शून्यता में जो है जो बच्चे होते हैं या जो परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनकी क्या परिस्थितियां होती है और किस प्रकार की जो है विद्रूपताओं से गुजरती है, ये सारे जो है उनके जो है संतानों के माध्यम से उनके बच्चों के माध्यम से हमको देखने को मिलती है। और इस प्रकार से एक तनावग्रस्त माहौल है पारिवारिक जीवन का जिसको हम जो है यहाँ पे मोहन राकेश के नाटकों में देखते हैं। और
यहाँ पे खासकर पिछले क्लास में जब हमने चर्चा की थी, बहुत सी ऐसी बातें छूट गई थी और बहुत से जो है कुछ प्रश्न भी जो है रह गए थे बाकी, जो विद्यार्थियों ने कही थी पूछे थे, तो उनमें से मैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि आधे अधूरे हम पढ़ रहे थे, उनको अधूरा छोड़ना भी यहाँ पे सार्थक नहीं होगा, इनको पूर्ण रूप से इसके साथ में न्याय करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे किसी बच्ची ने या किसी ने जो है नाट्य शिल्प के बारे में चर्चा की थी, तो उस समय जो है हम नहीं कर पाए थे चर्चा, तो हम इस पर जो है प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम शिल्प की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाट्य शिल्प की जब हम बात करते हैं, तो नाट्य शिल्प से तात्पर्य होता है कि नाटक की रचना और प्रस्तुति के उन साधनों और उपकरणों को समझना जिनकी मदद से नाटक लिखा जाता है या फिर नाटक को खेला जाता है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से नाटक को अभिव्यक्त करने के लिए नाटककार जिन किन्हीं भी शैलियों, युक्तियों या फिर पद्धतियों का प्रयोग या साधनों या उपकरणों का प्रयोग जो है करता है, उन सबको संयुक्त रूप से या संयुक्त रूप में मिलाकर हम उनको नाट्य शिल्प या फिर रंग शिल्प कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य तौर पर जैसे हम अगर इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, तो नाट्य शिल्प में इनमें कुछ प्रमुख बातें हैं जिन पर जिनको जो है देखा जा सकता है या बिंदुओं को हम देख सकते हैं। जैसे संरचना होती है नाटक की, संरचना होती है, फिर भाषा होती है उसकी, फिर उसकी जो है वेशभूषा होती है, और ध्वनि, प्रकाश इत्यादि इत्यादि पर जो है हम पर ध्यान देते हैं नाट्य शिल्प के अंतर्गत। तो यहाँ पे इन सभी जो बिंदु है, इन सभी माध्यम से जो है रचनाकार अपनी बात जो है पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है या दर्शकों तक पहुंचाता है। पहले जब हम बात करें हैं नाट्य शिल्प की, तो इन प्रमुख है नाट्य रचना। तो नाट्य रचना को अगर हम समझना चाहे तो यह वो ढांचा या बुनावट है जिसमें नाटककार अपनी विषय वस्तु को बांधता है या फिर बुनता है, हम कह सकते हैं। को किस प्रकार से कि संपूर्ण नाटक पाठक कह सकते हैं कि जो पाठक और दर्शक उनमें जो है नाटकों को लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक एक दोहरता जो है वो बनी रही। यानी कि जैसे यहाँ पे भरत मुनि का कथन मुझे यहाँ पे याद आता है, जैसे उन्होंने कहा है नाट्य शास्त्र में, विभावना भाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य रश्मि। तो यहाँ पे जैसे कि पाठकों, पाठक या दर्शक जो वर्ग है वो नाटक के शुरुआती दौर से लेकर नाटक के अंतिम या दौर तक या समय तक या अंत तक किस प्रकार से जो है नाटकों से बराबर सारोबार रहते हैं या नाटकों से बंधे रहते हैं, इसकी चेष्टा जो है लेखक अपने नाटक के माध्यम से करता है। और ये मुख्य बिंदु है या मुख्य तथ्य है नाटक के, जो कि पाठक को बांधे रखने के लिए आवश्यक है। और इसमें और एक महत्व और महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि इसमें जो है जो नाटक के जो भी तत्व है या फिर जो है अवयव है, तो उनको किस प्रकार से एक अनुपात में या फिर औचित्य उनमें जो है बनाए रखा जा सके, जिसे जो भी नाटक का जो प्रभाव है वो किसी भी रूप से खंडित ना हो पाए। तो इन सब के अलावा भी जो है और बहुत से ऐसी चीजें हैं
जैसे कि किस वर्जित दृश्य को रखा जाए या ना रखा जाए, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर जो है जिनका जिनका ख्याल या जिनका ध्यान जो है, या जो निश्चित रूप से जो है इनको लेखकों को या नाटककार को जो है यहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पे जैसे मोहन राकेश, जैसे कि जानते हैं कि वो मोहन राकेश एक ऐसे प्रयोगधर्मी नाटककार है, और वो जो है उनके जैसे नाटकों में पहले उनके, और वे जो अनेक बार इसी प्रयोगधर्मिता के कारण वो जो है आधे अधूरे में भी इसी प्रकार से प्रयोग के जो है धर्मिता से जो है जूझते रहे, या अपने नाटक लेखन में चाहे वो लहरों के राजहंस हो या आषाढ़ का एक दिन हो, तो इन प्रकार की जो है प्रयोग से वे जो है जूझते रहे। और जहां तक उनके आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस की बात है, तो उनमें भी जो है मोहन राकेश के इन दोनों नाटकों में हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही नाटक जो है 3 अंक वाले जो है समस्या नाटक के अंतर्गत में आते हैं। और इनमें भी जो है रचना शिल्प के अगर बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने मोहन राकेश ने इन समस्या नाटकों में जो है रचना शिल्प के साथ प्रयोग किए हैं, और यही प्रयोग जो है उन्होंने अपने आधे अधूरे जो नाटक है उनमें भी जो है उन्होंने नई सिरे से जो है इस समस्या से जो है, इस प्रयोग की समस्या से जो है वो जूझते हुए जो है नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नाटक, जैसे कि संरचना की जब हम बात करते हैं, तो ये नाटक जो है आधे अधूरे ये जो है राकेश ने यहाँ पे किसी प्रकार के अंकों या दृश्यों में विभाजित करने के बजाय इस नाटक को अंतराल या विकल्प देकर 2 भागों में बांट दिया, और इस प्रकार से जो है इस नाटक में और नाट्य संरचना की अगर नाट्य संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं भी परंपरागत जो है कार्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती हैं, और नाटक की गति जो है सीधी ना होकर एक प्रकार से, एग्जाम्पल के उदाहरण स्वरूप के लिए जैसे आप आरंभ में देखोगे कि किस प्रकार से जो है वहां पे दिखाया जाता है कि काले सूट वाला आदमी सिगार से राग झाड़ते हुए अंतर्मुख भाव से अंत में, चाहे कहता हो या ना कहता हो भले ही, किंतु ये जो है फिर से वो कहीं ना कहीं ये भाव प्रकट होता है कि वो फिर से जो है वही शुरुआत की वो बात करता है, जो वो शुरुआत में होते वही अंत में भी जो है एक प्रकार से वही शुरुआत जो है बात करता है। तो इस प्रकार से एक नाटक जो है, एक जो संरचना है नाटक की, एक गोलाकार है, इसमें एक कथाक्रम या घटना जो है एक के बाद ऐसे जो है घटती हुई जो है यहाँ पे आपको जो है, या फिर जो है किसी प्रकार का संघर्ष जो है यहाँ पे होने वाले नाटक के कार्य व्यापार में जो संघर्ष होते हैं वहाँ उस चीज का अभाव यहाँ पे है, और एक प्रकार से जिस सिरे से शुरू होती है वहीं से वो जुड़ती भी दिखाई देती है। और अंत तक कहने का तात्पर्य है कि अंततः हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाटक में जो उतार चढ़ाव और लड़ाई झगड़े होने के बावजूद में आपस में पात्रों में, या फिर जो भी वहां पे है पात्र है या जो भी हो रही है परिस्थितियां, तो इन सब स्थितियों में जो है कोई अंतर ही नहीं होता, और अंततः जो है जो चरित्र होते हैं वे जो है अभिशप्त जो है इसी जो है अभिशप्त जीवन को अंततः जो है नाटक में अभिशप्त जीवन की नियति या फिर त्रासदी को ही जो है मोहन राकेशकार जो है उद्घाटित करते हैं, कि अंततः जो है वे सब इसी में बंधे रहते हैं, इन सब से जो है बाहर नहीं निकल पाते, जो हालांकि कई प्रकार के जो है जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और कई लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी जो उनकी स्थिति में, कहने का तात्पर्य कि स्थिति में कोई अंतर नहीं और ना ही चरित्र। तो वही अगर हम देखें, अगर इस संरचना का जिससे रोचकता को की बात की जाए, तो यहाँ पे मोहन राकेश ने रोचकता को बनाए रखने के लिए जो है जो भी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं या जो प्रसंग है उनको एक ही स्थान पर उन्होंने उद्घाटित नहीं किया है, उनको जो है बड़ी कुशलता से आवश्यकता के अनुसार पूरे नाटक में फैला दिया, जहां जो है सो उनकी जो है प्रयोग की आवश्यकता उनको पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे कि अंतिम अंश को हम देखेंगे वहां पे दृश्यात्मक
कार्य व्यापार की बजाय लेखक ने जो जुनेजा और संवाद सावित्री के संवाद के माध्यम से जो है एक प्रकार से सूचना जो है अंत की जो है वहां पे जो है दे। तो इसी प्रकार से अगर नाटक में मंच और पात्रों की अगर हम दृष्टि से देखें तो यहाँ पे मंच जो है मंच पर पात्रों के प्रवेश स्थान और जो है प्रवेश और प्रस्थान का भी विशेष महत्व होता है। और यहाँ पे जैसे जो पात्र हैं जो मंच है जैसे एक घर वहाँ पे निर्धारित किया गया है मध्यवर्गीय परिवार और उसमें भी जो है अनावश्यक रूप से जो है किसी का आना जाना नहीं होता है और वहाँ पे उनका आना जाना जो है आकस्मिक है और अति नाटकीय ना होकर स्वाभाविक होता है या फिर हम कह सकते हैं कि एक सप्रयोजन उसमें बना रहता है। और इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नाटक के समय और स्थान में भी जो है एक जो है नए भारतीय जो नाटक है जैसे भारतीय जो नाटक में समय स्थान और कार्य को जो है ध्यान में सभी चीजों की एकता जो होती है उसको ध्यान में रखा जाता है और इसी को भी जो है इसी इसी एकता को स्थान कार्य और समय की एकता को भी ध्यान में रखते हुए जो है लेखक ने यहाँ पे इसका ध्यान रखा और जो ये नाटक की आधे अधूरी नाटक की एक विशेषता है इसका संकलन तर और हालांकि कई समस्याओं के बावजूद जो है इसके मंचन को जो है यह सहज बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है यह स्थान समय और कार्य की एकता। तो ये सारे जो है उसकी संरचनात्मक विशेषताओं में जो है यह संरचना में हम देख सकते हैं मोहन राकेश की। और जहाँ तक उनके अभी जो है उनके महत्वपूर्ण जो है शिल्प में जो है नाट्य शिल्प में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य संरचना के बाद नाट्य भाषा और संप्रेषण की भी आती है। तो मोहन राकेश जो है ऐसे एक नाटककार है जो रंग चेता थे यानी कि उनको जो है रंग का अच्छा ज्ञान था और रंगमंच के साथ उनका गहरा या फिर जो है अंतरक और जो है एक जीवन जो है संबंध मोहन राकेश का बना रहा था। और जिस प्रकार से अगर हम बात करें उनके आषाढ़ के एक दिन और लहरों के राजहंस जैसे अतिथोन्मुखी जिसमें आप अगर पढ़े होगे तो उनमें हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो अतीत की जो है उनमें थोड़ी बहुत ही वो मूल रूप से जो है वो जो कथा है वो ऐतिहासिकता पर जो है आधारित है लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान से ही को ही संदर्भ करके जो है लिखा गया है और उसमें उन्होंने जो है सफलता पाई और इस प्रकार से जो है वो आज के जीवन की जितने भी सूक्ष्म जटिल जो भी अनुभव है या फिर संवेदना है या उलझी हुई जो भी स्थितियां हैं या मनोस्थितियां हैं आधे अधूरे के जो भी तनाव है उनको आधे अधूरे के माध्यम से एक समकालीन मुहावरे और बोलचाल की सृजनात्मक भाषा जिसे कहते हैं प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया और वो इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने जो है यह कार्य जो है आधे अधूरे के माध्यम से करने का जो है पूरा सफल प्रयास उन्होंने अपने नाटक में किया है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि उनके जो आधे अधूरे नाटक की जो नाट्य भाषा है भाषा के अगर भाषा के माध्यम से बात मोहन राकेश के जो है मोहन राकेश की बात की जाए तो मोहन राकेश ने मध्यवर्गीय समाज की विडंबनाओं को पकड़ने का जो है प्रयास भाषा के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किया है। और वे जो है एक प्रकार से वे ऐसे नाटककार थे जो भाषा को जानना तक ही सीमित नहीं रखते थे बल्कि वो भाषाओं को जीते थे। कहने का तात्पर्य जब आप नाटक पढ़ते हो या फिर जब आप उनके नाटकों से गुजरते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि पढ़ते वक्त कि नाटक आप पढ़े तो उनके जो है दृश्य भी जो है एकाएक जो है भाषा के माध्यम से आपके आंखों के सामने जो है
अवतरित होता हुआ या आप उस दृश्य की कल्पना भी जो है करते हुए जो है चले जाए। ये इनकी एक विशेषता है जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं भी पढ़ने के दौरान देखती हूँ, मुझे प्रतीत होता है कि वो मेरे आंखों के सामने जो है घटनाएं जो है जिस भाषा में मैं पढ़ रही हूँ तो वही उसी भाषा में घटनाएं मेरी आंखों के समक्ष जो है घटित भी हो रही। तो इस इसका इस दृष्टि से देखे देखा जाए तो मोहन राकेश जो है ने जो है जो समाज या फिर जिस मध्य वर्ग को उन्होंने की समस्याओं को यहाँ पे उन्होंने या विडम्बनाओं को उन्होंने यहाँ पे उठाया है तो उनके उनके जो समाज के जो विडम्बनाओं को उठाने के साथ साथ जो भाषा है उसको भाषा में फिरोने या पकड़ने का पूरा प्रयास जो है करते हैं। और इसीलिए जो है आधुन उनकी जो है और इन जो है प्रयास में वो जो है कई प्रकार के सार्थक शब्दों के साथ साथ प्रतीकों और ध्वनि मौन मुद्रा क्रिया मन सज्जा इस सभी पर जो है वो ध्यान भी देते हुए नजर आते हैं, दृष्टिगत होते हैं। और यही कारण है कि उनकी भाषा में एक सजीवता या फिर एक जीवंतता जो है हम समकालीन परिवेश से जुड़ते हुए या समकालीन परिवेश के साथ में होते हुए देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो है पूर्ण रूप से जिस परिवेश की बात कर रहे हैं उस परिवेश की जीवंत भाषा को मुखर रूप से जो है अपने नाटकों में रखने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और अगर शब्दों के अगर हम आधे अधूरे नाटक की बात करें तो शब्द भंडार की दृष्टि से शब्दों की दृष्टि से समूह शब्द जो समूह के अगर विश्लेषण की दृष्टि से हम देखें तो आधे अधूरे में संस्कृत के तत्सम और अंग्रेजी शब्दों की संख्या बराबर है और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी जो है यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। और अधिकांश जो है यहाँ पे अगर सिंघानिया के संवाद को अगर हम सुने तो उनके संवाद में हमें संस्कृत अधिकांशतः जो है संस्कृत के जो है शब्द मिलते हैं जो हास्य व्यंग उत्पन्न करने के लिए जो है उनसे बुलवाए गए। और हालांकि आप जिन्होंने भी नाटक पढ़ा है वे इस नाटक के शब्दों से या फिर जब पढ़ते हैं तो उनसे ज्ञात ही हो जाता है कि जितने भी पात्र हैं यहाँ पे जो भी नाटक में पात्र है वे सारे पढ़े लिखे अच्छे पात्र अच्छे पढ़े लिखे पात्र हैं और इसलिए उनकी जो बातचीत है बातचीत का जो लहजा है या बातचीत का जो बातचीत में जो उनकी जो है सामान्य रूप से जो है अंग्रेजी के जो शब्द भी जो है उनका आ जाना जो है अस्वाभाविक नहीं है, हम स्वाभाविक ही कहेंगे। और इस प्रकार से जैसे कि ये जो आधे अधूरे का परिवार जो जो परिवार जो है आधे अधूरे का वो एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखता है और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उर्दू फारसी के शब्दों का भी जो है यहाँ पे हमको जो है प्रचलन होता हुआ या इनकी जो भी इनका भी जो है इस्तेमाल यहाँ पे उपयोग भी जो है हमको यहाँ पे दिखाई देता है। और जहाँ तक मुहावरे की बात है कई जगह जगह पर जो है अंग्रेजी के साथ साथ जो है लोक भाषा या फिर कुछ स्थानीय मुहावरों का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और नाटक को जो है बहुत ही असरदार या प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए नाटक ने यहाँ पे जो है व्याकरण संबद्ध शब्दों के संयोजन पर भी जो है ध्यान दिया है या ध्यान दिया है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये जो भाषा को लिखने या फिर जो है के स्थान पर बोलने के अंदाज का प्रभाव यहाँ पे अधिक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेखक ने मोहन राकेश ने भाषा को लिखने से अधिक जो है कहने पर या उनके बोलने के अंदाज को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखा है जो हमें जो है अन्य नाटककार में जो है वो दिखाई नहीं देता है उतना जितना कि राकेश के नाटकों में दिखाई देता है। और इसीलिए जो है ये सहज बोलचाल होने के कारण भी जो है आसानी से जो है मंच पर जो है मंचित हो जाते हैं या फिर किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं होती है। वही यहाँ पे मोहन राकेश के नाटक में जो है हमें जो है टूटे फूटे वाक्यों के अलावा जो है प्रतिध्वनि या फिर ध्वन्यात्मक शब्दों का भी अत्यंत सार्थक उपयोग जो है देखने को मिलता है, जैसे कि हड़ताल वड़ताल जैसे इन्होंने प्रयोग किया है भाषा में, बाल बाल, बच्चा कच्चा, तो छोटी मोटी, कन्ना धन्ना, जैसे ये जो है अनेक जो है प्रतिध्वनि शब्दों का उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से तुतलात्मक भाषा का भी या तोतली भाषा का भी प्रयोग यहाँ पे हम देख सकते हैं सावित्री और उसके बेटे अशोक के संवाद में, कि किस प्रकार से जो है वो माँ से कुछ कहना चाहता, तो वो सावित्री जो चिड़ कर या फुड़ कर जो है इस प्रकार की भाषा जो है का प्रयोग जो है वो करती है, और जिससे जिससे उसके आक्रोश का या फिर उत्तेजित होने का या उसके घृणा का जो है आभास जो है यहाँ पे संप्रेषित होता है। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे हम देखें कि भावों को जो है एक्सप्रेस या जो है अपने इमोशंस को या फिर क्रिया एक्शंस को जो है एक्सप्रेस करने में भी जो है उन्होंने जो है कई प्रयोग किए हैं, जैसे कि भाषा की जगह उन्होंने जो है शब्दों के स्थान पर, भाषणी शब्दों के स्थान पर उन्होंने जो है जो भाव भंगिमाओं को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति जैसे यहाँ पे क्रियाओं के माध्यम से हम आधे अधूरे में देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो है उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे लड़का जो है अशोक वो जैसे पतलून से उसका कीड़ा पकड़ना या फिर उछालना या ये सारे जो है घृणा या कड़वाहट को या फिर घुटन को यहाँ पे दिखाता है, और वही जो है महेंद्रनाथ का पुरानी फाइलों को झाड़ना और पीटना जो है कहीं ना कहीं उसकी जो है खींच या फिर जो उसका चिड़चिड़ापन या फिर एक मूक विद्रोह का जो है यहाँ पे अभिव्यक्त या क्रोध को जो है यहाँ पे अभिव्यक्त करता है। वैसे ही जो है जैसे ताश से जो है पेशेंस का खेल खेलना, ये सब जो है कहीं ना कहीं नाटक में जो है अकेलापन या फिर निठल्लापन को जो है अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम जो है शब्दों हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मोहन राकेश ने जो है शब्दों के स्थान पर, ठीक है, क्रियाओं के द्वारा जो है एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का भी प्रयास यहाँ पे किया है पात्रों के माध्यम से। और यहाँ पे जहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो है मौन प्रक्रिया भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ कहती है, यानी कि लेख जो पाठ ये जो पात्र है उनकी जो है मौन प्रक्रिया भी कुछ ना कुछ कहती है, जैसे कि इसलिए जो है लेख यहाँ पे नाटक का विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ या फिर रंग या फिर रंग चर्याएं और मौन का भी जो है प्रयोग यहाँ पे नाटक के माध्यम से किया है, जैसे और बड़ी सूझबूझ के साथ जो है यहाँ पे लेखक ने इसका परिचय भी दिया है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है अशोक की कैंची की ध्वनि जिस जो है ध्वनि तीन जो ध्वनि जो सुनाई देती है उसको देख सकते हैं यहाँ पे, और महेंद्र की फाइल झटकने की आवाज आदि जो है एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसमें चरित्रों की जो है आंतरिकता मुंह से बोलने की अपेक्षा जो है अधिक जो है मुखर होती है, यानी कि वो उनके जो है जो मुख से वो कहना चाहते हैं वो इन क्रियाओं के द्वारा या इन के माध्यम से, इन ध्वनियों के माध्यम से जो है अधिक जो है मुखर होती भी हमको यहाँ पे दिखाई देती है। और इसी प्रकार से जैसे हम देख सकते हैं कि सावित्री का टेबल कवर को खींचकर उसपे अपना मुंह छिपा लेना और परेशान सी अपने पर्स को टटोलना, इन भावों में जो है चरित्र की आंतरिक वेदना एवं खोयापन अपनी पूरी शक्ति एवं समग्रता से जो है यहाँ पे प्रकट होती है। तो इसी प्रकार से जैसे मैं मौन की बात कर रही थी तो नाटककार ने यहाँ पे जो है जो है मौन का जो है सार्थक और जो है असरदार प्रयोग अपने नाटक में किया है, जैसे कि वह कई कई शब्दों और जो वाक्यों पर भी भारी पड़ता हुआ यहाँ पे प्रतीत होता है। और ऐसे तो आधे अधूरे में देखा जाए तो अनेक स्थल है जहाँ मोहन राकेश ने जो है मौन का अत्यंत नाटकीय एवं अर्थगर्भित प्रयोग किया है। जब पुरुष तीन के साथ में एक दृश्य है नाटक में,
के साथ पुरुष तीन यानी जगमोहन के साथ स्त्री की स्त्री का प्रस्थान होता है, तो छोटी लड़की के मौन और सत्य प्रस्थान के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटी लड़की है, लड़की के मौन और सत्य जो स्वर है मंच के खालीपन का जो है जैसा प्रभावशाली प्रयोग किया है, और मंच के जो खालीपन है उसका जैसा प्रभावशाली प्रयोग मोहन राकेश ने किया वो अपने आप में जो है अनूठा है। तो इसी प्रकार से जो है लेखक ने यहाँ पे दृश्यबंध और मंच उपकरण का भी ध्यान यहाँ पे अपने जो है नाटक के माध्यम से जो है यहाँ पे यानी कि रखा है भाषा अपनी भाषा के द्वारा जो है वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे चरित्रों को अपेक्षित और चरित्रों की जिस प्रकार से अपेक्षित देशकाल और विश्वसनीय परिवेश देने के साथ साथ नाटक के मूल मंतव्य और चरित्रों की प्रमुख विशेषताओं को भी जो है यहाँ पे प्रकट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि नाटक में अगर हम देखेंगे मंच उपकरण की बात करेंगे तो वहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार से जो है ये अपने आप में बहुत कुछ बोलती है, यानी इनका जो दृश्य है या मंच का जो परिवेश है ये जो है एक प्रकार से पाठकों में या दर्शकों को जो है विश्वसनीयता का एहसास या विश्वसनीय बनाने में जो है या कह सकते हैं कि उस परिवेश को अधिक विश्वसनीय बनाने में सार्थक सिद्ध होती है। जैसे यहाँ पे आधे उधर दृश्य में जो है हम देख सकते हैं कि सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, तिपाई है, तो ये सब जो है और किताबों के शेल्फ पड़े हैं और जो है पढ़ने की मेज कुर्सी पर है और जो है या घिसे या सिले हुए जो है गद्दे हैं, ये सारे जो है एक जो है मध्यवर्गीय परिवार की जो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में था और किस समय में खरीदा गया था उसके जो है एक प्रकार से मध्य वित्तीय परिवार से ढहकर निम्न वित्तीय स्तर पर आए घर की जो है कहानी कहती हुई दिखलाई दी। तो यहाँ पे जो है सब कुछ जो है अपने आप में जो भी है दृश्य या फिर जो भी उपकरण मंच में जो भी रखे गए हैं वो सारे जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, यानी कि एक कहानी जो है कहती हुई यहाँ पे दिखलाई देती है। और जहाँ तक उन्होंने तीन जो है नाटक में दरवाजों की तरफ इशारा किया है और यहाँ पे तीन दरवाजे की तरफ कमरे झांकते हुए उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से तीन दरवाजे तीन तरफ से कमरे में झांकते हैं, या कहकर नाटककार ने कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से जो है यह कहने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है कमरे में जो है कमरे को जो है इस घर के जीवन और दरवाजे को जो है उसमें ताक झांक करने वाले जैसे सिंघानिया है, जुनेजा है और जगमोहन है का प्रतिरूप बना दिया है। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही प्रभावी ढंग से मोहन राकेश ने यहाँ पे चाहे मंच के उपकरण हो या फिर दृश्य हो या फिर ध्वनिया हो या फिर जो है मौन संवाद हो या फिर शब्द हो या शब्दों के स्थान पर जो है क्रियाएं हो या फिर तुतली भाषा जो प्रयोग किया गया है नाटक में या फिर शब्द हो शब्द समूह हो इन सबों के माध्यम से जो है यह परिवेश जनक या फिर जो है परिवेशगत परिस्थितियों को और अधिक सार्थक रूप में या फिर और अधिक जो है विश्वसनीय रूप में जो है प्रकट करने के लिए काफी प्रभावी बन पड़ा है। तो यहाँ पे मोहन राकेश जी ने इन सभी जो है तथ्यों को बड़ी उम्दा तरीके से रखा है। और यहाँ पे हम जो है शिल्प की बात करते हैं तो यहाँ पे हम वेशभूषा की भी बात करना चाहिए कि नाटक में नाटक चरित्रों की जो वेशभूषा है वो किस प्रकार की। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण पक्ष है नाटक का, क्योंकि ये जो है देखा जाता है कि जिस प्रकार से नाटक में एक एक जो है शब्द या फिर तथ्य जो है अर्थपूर्ण होने चाहिए, उसी प्रकार से जो है वेशभूषा के हर हिस्से को भी जो है नाटक के अर्थ और पात्रों के चरित्र को उभारने में मददगार होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब वेशभूषा पात्र के स्वभाव, वर्ग, आयु, समाज के स्थान,
समाज में स्थान, उसकी व्यक्तिगत पसंद, उसकी मनोदशा और उसके चरित्र को ध्यान में रखकर हम जो है कल्पित करते हैं। अन्यथा जो है या उस जो है चरित्र के साथ जो है एक प्रकार से जो है वो जो है न्याय नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार का चरित्र जो है नाटककार यहाँ पे रखना चाह रहा है या जिस प्रकार के चरित्रों का उद्घाटन यहाँ में करना चाह रहा है। इसलिए जो है इन सब की आवश्यकता जो है आवश्यक है, इन सब की जो है पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके यानी कि जो वेशभूषा है पात्रों को ध्यान में रखकर, उनके वर्ग या फिर आयु या फिर समाज में उसके स्थान को आदि को ध्यान में रखकर ही इसकी जो है परिकल्पना या परिकल्पित की जानी चाहिए। और ये जो है जिससे कि जो है उनकी विशेषता जो है वो उभर कर आ सके। और साथ ही साथ जो है इस नाटक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाटककार नाटक में नाटककार ने जो है एक ही पात्र नाम जिसका ओम शिवपुरी है के माध्यम से ही जो है उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं जो है मतलब एक ही कलाकार द्वारा जो है अलग अलग भूमिकाएं जो है यहाँ पे निभाई गई है। और इस प्रकार से उन कलाकार की अलग 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 भूमिका में होने के कारण उनके पहनावे पर भी जो है यहाँ पे नाटककार ने अधिकतर ध्यान दिया है, जैसे जिससे कि अभिनेता का जो चरित्र है वह पाठकों या दर्शकों को जो है मूलतः यहाँ पे दर्शक हम कह सकते हैं पाठक, और अब पाठक को भी यह आभास मिल जाता है कि जो है किस रूप में जो है अलग अलग रूप में जो है एक ही चरित्र जो है होते एक ही अभिनेता जो है किस रूप से जो अलग अलग किरदार को निभा रहा है। और इसके लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे मोहन राकेश ने की है, जैसे उन्होंने जो है जैसे उन्होंने उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि अगर जब वो काले सूट वाला आदमी पुरुष दो की बात कर रहा है तो उनके यहाँ पे विशेषता उन्होंने दिखाई कि उनके जो है पतलून और बंद गले का कोट वो जो है पहना हुआ है या धारण किया, और जब वो पुरुष तीन के रूप में की बात करते हैं तो वो पतलून और टी शर्ट में, और पुरुष चार के रूप में पतलून के साथ जो है उन्होंने पुरानी जो है कह सकते हैं कि पुरानी काट का लंबा कोट पहना यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वेशभूषा जो है संबंधी जो है चरित्र के से संबंधित जो वेशभूषा है उसके अनुकूल जो है यहाँ पे दिखाया गया। और हालांकि एक ही पात्र के द्वारा जो है अभिनय यहाँ पे हम यहाँ पे किया गया, और ये नाटक जो है बहुत खेला भी गया है, और हिंदी में जो है इस नाटक को हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में खेला गया। तो इस आधार पर यहाँ पे नाटककार मोहन राकेश ने यहाँ पे एक ही अभिनेता के द्वारा जो है खेल जो है अभिनय विभिन्न पात्रों में या विभिन्न चरित्रों में जो है के रूप में उनको जो अलग वेशभूषा के रूप में और अलग जो है उसकी जो है अपनी विशेषता के साथ में जो है उनको यहाँ पे रखा है व्यवहारिक रूप से या फिर कह सकते हैं उनको व्यवस्थित रूप से जो है यहाँ पे रखा है। और इसी प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि जब सावित्री की बात आती है तो यहाँ पे जैसे सावित्री को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सावित्री जो है ऑफिस जाती है तो वहाँ पे साधारण से एक जो है ब्लाउज और साड़ी जो है उनके साधारण से होती है, और जब वो वही जुनेजा के साथ में जो है कि एक बाहर जाती है तो उसमें जो है एक अलग ही जो है साड़ी वो जो है साड़ी का चुनाव करती है, और उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो अपनी जो है उम्र को छुपाने की कोशिश भी करती है। तो ये सारी जो है वेशभूषा या फिर जो उनकी जो है स्थिति या परिस्थिति को देखकर जो है या फिर उनके जो है समय को देखते हुए जो है किया गया है। अगर यहीं पे जो है और यहीं पे अगर सावित्री जो है चटक मटक रंग की जो है साड़ी पहनती हुई ऑफिस और जो है बाहर जुनेजा के साथ सॉरी जगमोहन के साथ किसी और जो है वेशभूषा में या जो है फीकी कलर में की साड़ी पहनती हुई यहाँ पे दृष्टिगत होती तो जाहिर सी बात है
वो जो है कुछ अटपटा सा पात्रों को या दर्शकों को यहाँ पे प्रतीत होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है बहुत सोच समझकर लेखक ने यहाँ पे सार्थक जो है वेशभूषा यहाँ पे की गई, और उसी के आज उसी प्रकार से जो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है महेंद्रनाथ भी जो एक प्रकार से जो है निकम्मा है, कुछ नहीं करता और जो है दब्बू किस्म का व्यक्ति है, और उसके पास में किसी प्रकार का रोजगार नहीं होने के कारण वो एक प्रकार से जो है अपने ही मन मुटाव में जीवन जीता है या चिंतित से जीवन जीता है। और उसकी भी जो है यहाँ पे परिकल्पना है, उसकी जो वेशभूषा की परिकल्पना भी जो है उसी के आधार पर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि वो जो है साधारण सा जो है अनमैला सा ढीले सा जो है कमीज और पतलून में जो है नजर आता है हमको यहाँ पे, और जो है साथ वही जो है उसकी बजाय हम देखते हैं सिंघानिया को, तो वो जो है या फिर सॉरी सिंघानिया नहीं जगमोहन को देखते हैं, तो वो जो है चुस्ती फुर्ती टिप टॉप रहने की जो उनकी जो आदत है वो बरकरार है, और उसी में जो है वो फब रहा है। यानी कि पात्र की जो है परिस्थिति, उनकी मनस्थिति या फिर समय या फिर परिवेश को देखते या स्थान को देखते उसी के आधार पर वेशभूषा का ध्यान भी यहाँ पे लेखक नाटककार मोहन राकेश ने भली भांति रखा है। तो यहाँ पे जो है इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखा हुआ है, और इसीलिए जो है इस कारण से भी जो है नाटक जो है उनके अधिक विश्वसनीय बन पड़ी, और ये एक रूप से जो है किसी भी नाटककार की जो है अपने नाटक को प्रभावशाली ढंग से या मतलब हम कह सकते हैं कि अधिकाधिक रूप से जो है प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की अपनी ही जो है के लिए जो है अपनी चेष्टा या उनकी अपनी जो है शिल्पगत विशेषता जो है रही है नाटक की। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे मुख्य तथ्य जैसे यह प्रश्न भी आया था पिछली क्लास में कि रंगमंच और के साथ में जो है समस्या और चुनौतियां जो है वो हमेशा बनी रहती है, तो यहाँ पे भी जो है अगर रंगमंच की बात हम करें तो उनके साथ समस्या और चुनौतियां जो है हमेशा जाहिर से बात है बनी होगी, क्योंकि यह आसान नहीं है किसी भी नाटक को मंच पर जो है दिखाना या फिर प्रस्तुति जो है उसकी सहज नहीं होती है। तो इसी प्रकार की हालांकि समस्याएं और चुनौतियां जो है आधे अधूरे के साथ भी बनी हुई थी, किंतु जो है फिर भी जो है इन सभी समस्याओं और चुनौतियों को पार करते हुए आधे अधूरे नाटक जो है मंच में या फिर कह रहे कि अपने रंग कर्म में भी जो है उतनी अधिक जो है सफल हुई है या सफलता से जो है पेश की गई, और शायद जो है इसके संबंध में स्वयं जो है ओम शिवपुरी भी कहते हैं, जो अभिनेता भी और निर्देशक भी है, उनका भी मानना है कि जो है समकालीन नाटकों में अगर किसी नाटक ने बहुत सफलता हासिल की है रंगमंच की दृष्टि से तो वो आधे अधूरे नाटक है, उनका भी ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रंगमंच के जो है समस्या और चुनौतियों की, तो यहाँ पे इस नाटक में आधे अधूरे की मैं बात लेकर कह रही हूँ, तो इस नाटक में कई जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे, जैसे कि बहुतों का कहना था कि यहाँ पे जो है जैसे तीन तथ्य हैं यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे प्रकाश उस पर जो है बात करना चाहूंगी, जैसे प्रस्तावना है, फिर अभिनय है और पार्श्व कर्म है, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे कि कहा गया था कि इसमें जो है जो प्रस्तावना है वो जो है आधे अधूरे की प्रस्तावना जो है नाटक का अभिनंग नहीं है, और यह जो है फिजूल है, अनावश्यक है या फिर एक प्रकार से आरोपित है। तो इस प्रकार के जो है आरोप भी जो है लगाए गए थे, और जो है जबकि जो है इस नाटक का जो है प्रारंभ आप देखो एक प्रस्तावना से ही होता है, और उसी के साथ ही जो है इसमें जो है नाटक जो है आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे ये एक विशिष्ट जो है यहाँ पे एक परिवार के जो है यहाँ पे यह भी कहा गया है कि एक विशिष्ट परिवार के जो है सीमित अनुभव को सामान्य जन का व्यापक अनुभव सत्य सिद्ध करने के लिए राकेश ने इसकी योजना की है, और
इस प्रकार से जो है अनिश्चित और आम आदमी के बारे में इसमें जो है किए गए बड़े बड़े दावे मूल नाटक के सिद्ध नहीं होते, इस प्रकार के आरोप जो है लगाए। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वास्तविकता यह है कि इस नाटक की तमाम जो प्रस्तुतियां हैं अपेक्षित जो है जो समग्र प्रभाव पैदा नहीं कर सकी, जिसमें निर्देशकों ने प्रस्तावना को हटाने या काटने छाटने की स्वतंत्रता दी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां इस नाटक की प्रस्तावना को निर्देशकों ने काटने छाटने की जो है प्रयास किया या उसको जो है इनसे अलग या भिन्न करने की चेष्टा की, वहां जो है यह नाटक जो है उतना सफल या सफलतापूर्वक जो है मंचन नहीं हो पाया। क्योंकि जब हम नाटक की सार्थकता की बात करते हैं या मंचन पर इसके जो है अभिनय की बात करते हैं, तो यह नाटक जो है ओम दो में, जहां तक 2 मार्च 1969 में जो है यह खेला गया था, और इसमें जो है मुख्य भूमिका में के रूप में यहाँ पे जो है ओम शिवपुरी थे और उन्होंने जो है अभिनय किया था, और साथ में स्त्री कलाकार सावित्री के रूप में सुधांशु पुरी और अन्य पात्र भी थे जो इस नाटक को इन मोहन राकेश के निर्देश के अंतर्गत में इस नाटक को किसी प्रकार से भी जो है इसके प्रस्तावना को छोड़ने या काटने का जो है यहाँ पे किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से जो है छेड़छाड़ नहीं की गई थी इसके साथ में, और उसको जो है उसी रूप में जो है खेला गया था, और वो उसी रूप में जो है बहुत अधिक जो है सफलता पूर्वक से खेला गया था मोहन राकेश के इस नाटक को। और जहां इसके साथ में छेड़खानी की गई या उनमें थोड़ा सा बदलाव या परिवर्तन या फिर कुछ लाने की चेष्टा की गई, वो नाटक जो है इतना अधिक सार्थक या सफल रूप से जो है मंचन में नहीं खेला, ये कह सकते कि उतना प्रभावी नहीं बन पाया जितना जो है जो 2 मार्च 1969 में जो है खेला था, और जिसमें मुख्य लीड में रोल में जो है यह महेंद्र के सॉरी प्रमुख जो पुरुष पात्रों के रूप में ओम शिवपुरी थे और सुधा शिवपुरी जो स्त्री सावित्री के रूप में थी। तो इस प्रकार से जो है प्रस्तावना को यहाँ पे अड़चने मानते हैं कई सारे जो है विरोध करने वाले या फिर जो भी जो है आलोचक रहे हैं, किंतु इन सबके बावजूद भी जो है यह जो है इन चुनौतियों के बावजूद भी जो है यह नाटक सफलतापूर्वक खेला गया, और इसी प्रस्तावना के साथ ही जो है यहाँ पे जो है इसको प्रस्तुत किया गया। थोड़ी बहुत जो है तब्दीली के साथ में अभिनेता बहुत अच्छी तरह से उसी रूप में इसको रखने की चेष्टा या प्रयास जो है मोहन राकेश ने किया था। आगे जो है इसके अभिनय की बात नेता ने जो है अलग रूप में जो है अभिनय किया, और ये जो है अपने आप की बात है क्योंकि किसी भी अभिनयकर्ता के लिए स्थान पर और एक ही समय में जो है अलग अलग किरदार या भूमिकाओं के रूप में दर्शक या पाठक के सामने उपस्थित होना बहुत ही जो है बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए एक उम्दा कलाकार की आवश्यकता होती है, और हालांकि उम्दा कलाकार के अभाव में इस प्रकार का अभिनय नहीं किया जा सकता, और ये एक चुनौती होती है। ये जो है आधे अधूरे ये समस्याएं उत्पन्न हुई, किंतु प्रकार के नेता थे ओम शिवपुरी, तो उनकी वो जो है अभिनय कला या अभिनय क्षमता या कैसे कह सकते वो थी कि उन्होंने दर्शक जो है समस्त जितने भी पात्र थे पुरुष पात्र सबकी भूमिका उन्होंने सटीक रूप में अपनाई, और अपनाते उस भूमिका के साथ उन्होंने या चरित्र के साथ उन्होंने न्याय भी किया। नाट्य अभिनेता मिलना जो है दुर्लभ है, इसलिए बनी रहती है नाटकों के समस्त, क्योंकि एक ही अभिनेता का विभिन्न किरदार के रूप में प्रस्तुत होना और पात्रों को जीना या चरित्रों को जीना वो बहुत ही अपने आप में अनोखा है या अनूठा है हम कह सकते हैं। तो
तो एक समस्या बनी थी। और वही हम तीसरी जब मैं बात कर रही थी तो पार्श्व कर्म की यहाँ पे बात, तो पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ना जो अभिनय ही नहीं, इसके अलावा जो है नाटक का पार्श्व कर्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें जो है चूंकि रोचक और कुतूहल पूर्ण जो है नाट्य घटनाओं का जो है अभाव है यहाँ पे, और तथा जो संपूर्ण नाटक जो है क्रिया प्रतिक्रियाओं के छोटे छोटे जो है एक फोटो इसमें छायालोक की विशिष्ट भूमिका है। छायालोक कहने का तात्पर्य यह है कि अदृश्य जगत जिसे बात की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भूमिका होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरंभ में अंतराल में और अंतराल में जो है स्पॉटलाइट और जो डीमर होता है का विशेष प्रयोग जो है कथ्य और चरित्रों के उद्घाटन में जो है सहायक होता है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे जहां तक हम बात करते हैं पार्श्व कर्म यानी कि एक व्यवस्था होती है जो नाटक में या रंगमंच के प्रदर्शन में या रंगमंच में किसी नाटक के खेल के लिए जो है एक पारंपरिक जो परंपरा से चली आ रही है, प्रकाश आलोक या फिर जो है ध्वनि फिर संगीत, तो ये सब जो है पार्श्व संगीत जिसे हम कहते हैं, ये सब की आवश्यकता जो है नाटक को व्यवस्थित रूप से या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। और चूंकि हमारे भारतीय देश में उतने उन्नत और जो है तकनीकी रूप में या फिर अन्य किसी अन्य देशों की तुलना या पश्चिम की तुलना में उतने जो है उन्नत या फिर जो है प्रगत जो है तकनीकी प्रयोग अभी तक जो है नहीं हो पा रहे हैं, तो इस आधार पर भी जो है ये समस्या कहीं ना कहीं जो है बनी रहती है। और इस प्रकार से जो है इस क्षेत्र में भी जो है इस सब की कुशलता या फिर जो है कुशलता का जो है प्रयोग या कुशल प्रयोग जो है इन सब का जो है नाटक की नाटक के लिए आवश्यक होता है। और ये भी जो है नाटक के लिए जो है एक समस्या भी जो है कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो ये सारी चीजों को हम नाटक आधे अधूरे में देख सकते हैं प्रमुख रूप से। अन्यथा जहां तक मोहन राकेश की बात है तो वो जैसे मैंने कहा कि वो एक रंगकर्मी थे और वो जो है नाटक लिखते नहीं थे, नाटक को जीते थे। और उन्होंने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि जितना हो सके कम जो है तकनीकों के उपयोग से, जितना उपकरणों से या फिर तकनीकी इस्तेमाल के कम प्रयोग से जितना सफलतापूर्वक नाटक को लिखा या खेला जा सकता है उतना अच्छा है। तो इसलिए जो भी जो है अगर उनकी नाटकों की हम बात करें तो चाहे लहरों के राजहंस हो या फिर आधे अधूरे या फिर आषाढ़ का एक दिन, ये सारे नाटक जो है वो मंच के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर हम प्रसाद जी की बात करें तो उनकी नाटकों में जो हालांकि वो जो है उनकी नाटकों में वो साहित्यिक विशिष्टता वो जो है मूल्यवान बन पड़ी है, सब कुछ है, किंतु उनके नाटकों को हम जो है नहीं मंचित उतनी आसानी से या उतने सहज रूप से जो है उनको मंचित नहीं कर पाते मोहन राकेश की नाटकों की तुलना में। और इससे जो है मोहन राकेश के नाटक जो है अपने इन्हीं सभी प्रयोगों के कारण ही जो है उनके नाटक जो है उनके नाट्य शिल्प जिसे कह सकते हैं वो अधिक सफल या सार्थक बन पड़े हैं। सर हेलो हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ। तो इसके तहत विद्यार्थियों अगर आपके कोई प्रश्न कोई द्वंद रह गए हो अभी मैम ने जो भी व्याख्यान दिया जो भी बातें मैडम कही मैडम ने कहा आधे अधूरे नाटक से संबंधित इसके ऊपर अगर किन्हीं के कुछ प्रश्न मन में हो कुछ द्वंद हो तो अपने प्रश्नों को इस चैट बॉक्स के माध्यम में जैसे आप लोगों को अज्ञात होगा इस चैट बॉक्स के माध्यम में लिख करके मैम के समक्ष पूछने का रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी के प्रश्न सादर आमंत्रित है विद्यार्थी अक्षर बोलते हैं कि आप लगातार प्रश्न पूछे अपने द्वंद को एक बार क्लियर करें क्योंकि किसी भी विषय को संबंधित आधी जानकारी होना से बेहतर है कि जानकारी ना हो, इसलिए ये कक्षा दोबारा से इस विषय पर रखी थी ताकि आपके जो पिछली कक्षा में जो कुछ भी द्वंद रह गए हों क्योंकि वो कक्षा पहली कक्षा थी मैम की ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब हम लोग जो टीचिंग करते हैं टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग होती है, लेकिन ये जो थोड़ी सी महामारी के दौर है कोरोना की उस वजह से ये कक्षा वन वे लर्निंग हो रही है। वन वे इन द सेंस कि पहले लेक्चर हो जा रहा है उसके उपरांत आपके प्रश्न आ रहे हैं,
आप लोगों से अनुरोध है कि लगातार आपके प्रश्न पूछे, द्वंद्व ना रखें, क्योंकि आपके अगर प्रश्न क्लियर रहेंगे, द्वंद्व क्लियर रहेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। एक प्रश्न आया मैम, मैं आपके समझ सकता हूँ, विद्यार्थी पूछते हैं, प्रभास मेहर जी ने जी प्रश्न सर। लिखा है कि राकेश जी के सभी नाटकों में क्या सामान्य चीज देखने को मिलती है? किस संदर्भ में, पात्र के संदर्भ में, किस संदर्भ में? सामान्य रूप से, सामान्य अगर हम हेलो सर देखिए, उन्होंने जो है दो तीन नाटक और एक अपूर्ण नाटक है, तो उनकी जो आधे दूर सॉरी लहरों के राजन से या फिर आषाढ़ का एक दिन और लहरों आधे अधूरी, ये तीन जो नाटक है इनमें आप देख सकते हैं सामान्य रूप से। उन्होंने क्या कहा, तीनों उनके नाटकों में सामान्य रूप से? हेलो हेलो जी जी मैम, मैं सुन रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो जी जी हेलो, आ रही है ना आवाज मैम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी वो जी मैम, वो पूछ रहे हैं सामान्य रूप से उनके नाटकों में कौन से समानता देखने को मिलती है, सभी नाटकों में जो कुछ एक चीज जो समानता देखने को, क्योंकि एक लेखक जब कई सारे रचना करता है तो कुछ समानताएं होती है उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाती है। हाँ, तो इसमें जो है आप उनके नाटक, हालांकि उनके जो तीन नाटक है उनमें पहले दो नाटक अच्छा उन्होंने अतीतोन्मुखी जो है यानी कि ऐतिहासिक जो है पात्र को लेते हुए उन्होंने नाटक किए, ठीक है, नाटक लिखे हैं जैसे आषाढ़ का एक दिन और यहाँ पे जो है, ये जो इन दोनों नाटकों से भिन्न जो है ये आधे अधूरे नाटक है। और अगर सामान्य बात हम तो उन दोनों नाटकों में लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन नाटकों में आप देखोगे कि स्त्री जो चरित्र है, हेलो हेलो हाँ मैम, हाँ मैम आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ मैम, आप कहिए, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लीजिए मैम। हाँ, तो उन्होंने जो है स्त्री चरित्र को जो है प्रमुख रूप से जो है उठाया है, तो ये जो है सावित्री के माध्यम से भी यहाँ पे जो है हाँ तो हेलो जी मैम, जी मैम आवाज आ रही है आपकी, आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि जैसे कि उनके जो है लहरों के राजहंस है और आषाढ़ का दिन और यहाँ पे आधे अधूरे नाटक है, तीनों में जो है हालांकि अगर कथा को देखा जाए तो यहाँ पे वस्तु को देखा जाए तो ये समकालीन परिवेश से ताल्लुक रखता आधे अधूरे और बाकी जो है वो जो है कहीं ना कहीं पात्र की दृष्टि से ऐतिहासिक वस्तु की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर चलती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस पात्र है स्त्री पात्र है वहां पे जैसे लहरों के राजहंस में या फिर दूसरा ये जो है आषाढ़ का एक, ठीक है, तो ये दोनों स्त्री पात्र जो है को यहाँ पे मूल रूप से इन्होंने दिखाया है। और यहाँ पे हालांकि सावित्री भी जो है अगर हम देखें आधे अधूरे नाटक में तो यहाँ पे सावित्री भी यहाँ पे जो है स्त्री रूप में जो है या स्त्री पात्र के रूप में जो है यहाँ पे अपनी प्रमुख जो है रूप से उभर कर आई है, यानी कि तीनों नाटकों में मूलतः जो है मोहन राकेश ने कहीं ना कहीं जो है स्त्री के स्थिति को या स्थिति स्त्री की परिस्थितियों को जो है मूल रूप से दिखाने का प्रयास किया, वही उसी को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में भी जो है उसी नाटकों के आधार पर जो है आधुनिक रूप में आधुनिक नाटक के रूप में आधे अधूरे में भी मोहन राकेश ने जो है सावित्री की स्थिति को यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे हालांकि सावित्री जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में है और यहाँ पे स्त्री
के रूप में जो है उनके जो भी उनके उनके जो है व्यवस्थित या खंडित व्यक्तित्व को, या फिर एक प्रकार की जो है खंडित व्यक्तित्व को नहीं, हम इस रूप से आरोपण में नहीं लगा सकते, क्योंकि लेखक ने आधा अधूरे नाटक के जो लेखककार है मोहन राकेश ने, उन्होंने जो है अगर स्त्री को, स्त्री की यहाँ पे चर्चा को प्रमुख केंद्र में रखते हुए चर्चा की है सावित्री की, तो वहां वहां पे जो है उन्होंने बहुत ही शिष्ट शब्दावलियों में जो है जो भी स्त्री सावित्री के द्वारा जो भी कथन कही गई है उसको सार्थक रूप में रखने का प्रयास किया गया, और कहीं से भी वो उल्टा या किसी प्रकार से जो है कुलक्षणी या जो है चरित्रहीन पात्रिक रूप में प्रदर्शित नहीं होती। तो यहाँ पे मूल रूप से स्त्री की समस्याओं को या उसको ही केंद्र में रखकर जो है मोहन राकेश ने अपने पात्रों में, चाहे आप देख सकते हो लहरों के राजहंस में सुंदरी को देख सकते हो, फिर आषाढ़ के एक दिन में, मुझे पात्र का नाम याद नहीं आ रहा है सर, अगर आपको याद रहा है तो आप कह सकते हैं। हेलो अभिषेक सर सुन रहे हैं? जी हेलो जी जी हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। मैं माइक को अनम्यूट इससे रखता हूँ क्योंकि मेरी माइक अगर अनम्यूट ना रहे तो आवाज जो इको होगा, इस वजह से मैं अपने माइक को अनम्यूट रखता हूँ मैम। हाँ, तो वो जो आषाढ़ के दिन की स्त्री पात्र है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मलिका, मलिका की अंबिका, हाँ मलिका की अंबिका, कुछ तो माँ अंबिका है मलिका, तो मलिका और सवित्र, तो इन तीनों के माध्यम से जो है स्त्री को जो है प्रमुख रूप से उन्होंने, स्त्री को जो है लेकर उन्होंने एक प्रकार से आधे अधूरे में आधुनिक स्त्री के रूप को उन्होंने दिखाया, उनकी समस्याओं को जो है नाटक के माध्यम से दिखाया है। और यही जो है यहाँ पे जो है हालांकि जो है वहां पे ऐतिहासिक जो है हेलो, जी, मैम, जी मैम। हाँ, ऐतिहासिक पात्रों को लेते हुए उन्होंने आधुनिक समस्याओं को दिखाया है, किंतु यहाँ पे उन्होंने आधे अधूरे के माध्यम से आधुनिक परिवेश का ही जो है यहाँ पे प्रमुखता से जो है आधुनिक परिवेश में स्त्री, स्त्री और स्त्री के माध्यम से जो है उसके साथ में जो भी स्त्री के केंद्र में रखते हुए पारिवारिक विडंबनाओं को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और बाकी सामान्य तो रूप से अगर हम देखें तो इस सारे जो है जो नाटक है वो मंचन है, रंगमंच की दृष्टि से सफल है। एक सामान्यता हम जो है उसमें देख सकते हैं कि इन तीनों नाटकों को जो है सफल रूप से जो है मंच रंग रंग में जो है, यानी कि रंगमंच पर जो है खेला जा सकता। और मोहन राकेश जी स्वयं कहते हैं कि जो नाटक है वो केवल ढांचा मात्र है, और जो रंगमंच है वो उसको नाटक को मानसिकता प्रदान करता है। तो इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही नाटक जो है मंचनीय है, और प्रमुख रूप से जो स्त्री को पात्र को ही, चाहे वहां पे पहले सुंदरी और फिर बाद में जो है। हेलो, जी हाँ मैम, जी मैम, आगे बढ़ते हैं मैम। और एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ विद्यार्थी, उस पर जिसका उत्तर आपने शुरुआत में ही दिया था लेकिन वो शायद जुड़े नहीं थे, उस वजह से उन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा। प्रीति जी ने एक प्रश्न लिखा कि आधे अधूरे नाटक के नाट्य शिल्प की विशेषताएं क्या है। जैसा शुरुआत में जब आपने व्याख्यान शुरुआत किया था तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाई थी, लेकिन शायद उस समय प्रीति जी लाइन पर नहीं थी, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि दोबारा एक बार आप उसी बात को दोहरा देते, जो नाट्य शिल्प की विशेषताएं क्या रही है आधे अधूरे नाटक की। जैसे शिल्प की हम बात करते हैं, नाट्य शिल्प की बात करते हैं, तो नाटककार यहाँ पे जो है वो नाटक की प्रस्तुति या रचना की जो प्रस्तुति है समस्त साधनों के और उपकरणों के प्रयोग के द्वारा करता है, जिससे जो है नाटक को जो है समझा जा सकता है, या उससे जो है नाटक में जो है एक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है यह हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि नाटककार जो है अपने कथ्य को या अपनी बात को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए जो है नाटककार जिन जिन शैलियों की या युक्तियों की या फिर पद्धतियों या फिर साधनों या उपकरणों का जो प्रयोग करता है उनको ही हम जो है नाट्य शिल्प या रंग शिल्प कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे उनकी संरचना, नाट्य शिल्प के अंतर्गत संरचना उनकी जो है वस्त्रभूषण, फिर या भाषा इत्यादि पर जो है यहाँ पे प्रकाश डाला था, और जी जी उनकी जी जो है समस्याओं आदि पर जो है प्रकाश डाला था।
जी मैम, एक प्रश्न एक विद्यार्थी ने और पूछा है। वो पूछती है कि आधुनिक परिवेश में मल्लिका को कैसे देखा जा सकता है? एक ये तो नेहरू के सॉरी आषाढ़ का एक दिन दिन ना। जी हाँ, तो आधुनिक परिवेश में जैसे कि मल्लिका को कैसे देखा जा सकता है आधुनिक परिवेश में। हेलो सर, उनका जी प्रश्न है जी आधुनिक परिवेश में जी मल्लिका को जी कैसे। हाँ तो उस पर वो आपकी हल्की फुल्की राय, आपकी मतलब आप कैसे देखते हैं, ये उन्होंने पूछा है। हाँ ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ये नाटक मैंने 2 साल पहले पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन। और इस नाटक में जिस प्रकार से मल्लिका को दिखाया गया है, वो कालिदास की, अगर उस विद्यार्थी ने नाटक पढ़ा हो, कालिदास की प्रेमिका होती है और कालिदास जो उसे छोड़कर राजकवि बनने चला जाता है, और उसकी माँ जो होती है अंबिका होती है, मुझे अभी याद आया, अंबिका होती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर उसने नाटक पढ़ा हो तो उनको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से जो है वो कालिदास, उनकी माँ अंबिका जो है यथार्थ जीवन के यथार्थ के बारे में बताती है। हालांकि वो उसे प्रेम करता है, लेकिन अभी जो है कालिदास में जो है कालिदास को वो देखती है कि कालिदास जो है अब इस कर्तव्य को निभाने या फिर उस जो है जिम्मेदारियों को उठा पाने में उतना सक्षम नहीं है। वो मल्लिका को आगाह भी करती है और बार बार कहती है कि मैं जो हूँ, मैं अपनी बेटी को जो है, एक माँ होने के नाते अंबिका मल्लिका से कहती है कि मैं अपनी बेटी को जो है सुख और जो है समृद्ध रूप से देखना चाहती हूँ, कि वो सुखद जीवन का निर्वाह करे। तो इस रूप में जो है वो मल्लिका से बार बार जो है कहती है, और कि कालिदास जो है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि कालिदास जो है उसके सक्षम नहीं है या उसके उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए जो है वो अपनी बात जो है मल्लिका से कहती है। और तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मैं यहाँ पे मूल से मेन तथ्य पे आना चाहूंगी। इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से जो है जो प्रेम है, हालांकि यहाँ पे मल्लिका का जो प्रेम है वो सार्थक प्रेम होता है, वो कालिदास से जो है बेपनाह प्यार करती है, प्रेम करती है, और इसलिए जो है वो उसका इंतजार करना चाहती है। उसके लिए जो है सब कुछ जो है वो उसके लिए जो है उसके प्रेम की खातिर जो है उसको जो है उसके लिए उसका जो है इंतजार करती है। तब भी जो है बहुत दिनों बाद जो है, जो चूंकि कालिदास जो है अपने ही जो है वहां पे राजकवि बन जाता है, और वो वहां पे भोगविलास में खो जाता है, और जब उनको अंबिका की याद आती है, जब तक लौट कर वो आता है, तो अंबिका देखता है कि अंबिका का विवाह हो गया होता है, और जो है वो जो है उसकी जो है अपनी बच्ची भी होती है, पुत्री भी होती है, किंतु वो कालिदास की रचनाओं को अपने में जो भी रचनाएं वो लिखता रहता है उसको अभी अपने तक संभाली है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यथार्थ दिखाया गया है कि किस प्रकार से परिवेश और वक्त के साथ जो है प्रेम भी, हालांकि प्रेम जो है हमेशा से जो सार्थक होता है, किंतु जो है मनुष्य किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है जाता है, और यह परिवर्तन जो है समाज की या फिर कहीं ना कहीं जो है एक यथार्थ है मनुष्य का परिवर्तन या समय का परिवर्तन। और इसी यथार्थ को मल्लिका के संदर्भ में जो है लेखक यहाँ पे दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से जो है यथार्थ जो है यथार्थ को हम लोगों को स्वीकार करना है कि यथार्थ क्या है। तो इस रूप में जो है मल्लिका भी जो है वहां पे यथार्थ को अंततः स्वीकार कर लेती है, और वो पात्र है उससे विवाह कर लेती, उससे जो है उनका ये हो जाता है और उनकी पुत्री भी होती है। तो इस यथार्थ को अगर हम, उसने कहा मल्लिका को किस प्रकार से जो है उन्होंने मेरे ख्याल से इस सावित्री के साथ में जो है जोड़ना चाहा है मेरे ख्याल से। तो सावित्री के साथ हम जब सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं, जो यथार्थ की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो मध्यवर्ग के समाज के यथार्थ की बात यहाँ पे मोहन राकेश ने यहाँ पे रखा है कि वास्तविक या मध्यवर्गीय समाज का यथार्थ क्या है। तो यहाँ पे यथार्थ में एक स्त्री कितना जीती है, जैसे यहाँ पे सावित्री को दिखाया गया कि सावित्री जो है वो किस प्रकार से जो है आरंभ में जो है प्रेम करती है महेंद्र से, और उससे विवाह भी कर लेती है यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन बाद में जो है उसके असफलता से, यानी उसके काम ना करने से या कहीं भी उसके उसकी सफलता ना मिल पाने से, वो उसमें एक अपूर्ण जो है पुरुष को पाती है, और इस अपूर्ण पुरुष को देखते हुए उनका मन विचलित हो जाता है, वो भी तृष्णा से भर जाती है, और इसलिए वे पुरुष की तलाश में कभी जुनेजा, कभी सिंघानिया, कभी शिवजीत, कभी मनोज और कभी जगमोहन।
इस पुरुष में, इन सब पुरुषों में कहीं ना कहीं जो है पूर्ण पुरुष की तलाश करती रहती। तो ये यथार्थ को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, और कि यथार्थ ये कि जीवन में मनुष्य जो है पूर्ण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यही जो है सावित्री के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो जीवन में जो मनुष्य है वो पूर्ण नहीं होता, और ये जो यथार्थ है इसको जो है कहीं ना कहीं सावित्री खुद भी अपूर्ण होते हुए स्वीकार नहीं कर पाती, और इसीलिए उसका चंचल मन या फिर एक प्रकार से जो है कुछ कर गुजरने की या अधिक समेटने की जो चाह है या उसकी जो है अनंत जो महत्वाकांक्षा है उसको गर्त में ले डूबती है, और इस प्रकार से ना तो वो अपने परिवार के साथ न्याय कर पाती है ना ही परिवार के सदस्यों के साथ में वो न्याय कर पाती है, और अंततः जो है यहाँ पे देखा गया है कि किस प्रकार से जो है यह परिवार जो है अभिशप्त होता है लड़ाई झगड़ों और तनाव के भरे से भरे माहौल में जीने के लिए ही। तो मुझे लगता है कि मैं सार्थक यहाँ पे जवाब दे पाई हूँ, क्या वो खुश है मेरे जवाब से, ये संतुष्ट है? जी मैम, ये तो मैम विद्यार्थी ने पता था, नहीं, सागरिका जी ने ये प्रश्न पूछा था। मैं उसी से पूछ रही हूँ, विद्यार्थी से पूछ रही जी हूँ क्या वो संतुष्ट है मेरे जवाब से। मैंने जितना कोशिश की, जहां तक मुझे याद था आषाढ़ का एक दिन के विषय में तो मैंने वो जो है चर्चा की, और हालांकि यह मैं मुझे भी खुद लग रहा है कि पूर्ण रूप से मैं जहां तक मुझे याद था तो उस रूप में मैंने यहाँ पे चर्चा की। जी सागरिका जी, आप बता सकती हैं। हाँ बताइए, आप संतुष्ट है मेरे उत्तर से? नहीं है तो हम इस पे देखेंगे। अच्छा सागरिका स्वयं, हाँ जी मैम, उन्होंने कहा अगर आप चर्चा करना चाहती है तो मुझसे पर्सनल, मुझसे मेरा नंबर लेके भी चर्चा कर सकती है, क्योंकि एक साहित्यिक भूख होती है, साहित्य जो भी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं वो जो कभी मिटती नहीं है, तो ये सब जो है हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं। जी मैम, इसके इतना तो अभी वर्तमान में कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहे हैं, पर मैं एक आपकी बातों में कुछ बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जो पहले एक विद्यार्थी ने जो प्रश्न पूछा होता, एक हाँ, राकेश जी की सभी नाटकों में क्या समान चीज देखने को मिलती है, तो उसपे मैं, आपने जो अपनी बात रखी उसमें दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा मैं। हाँ जी जब जी सर, मुझे याद नहीं रहा होगा उसका, आप नहीं देख नहीं सकते हैं। मैं जस्ट एक नॉर्मल सी, जैसे आपने भी यथार्थ की बात की ना, तो वही मेरे जी दिमाग जी में आया, तो मैं उसी में दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा। जब हम जी मोहन राकेश की नाटकों को देखते हैं, जो जैसा आपने बहुत अच्छा कहा, ये यथार्थ की जब आपने बात अभी कह रही थी, तो मोहन की नाटकों को जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह से ठीक है, नाटक का जब हम इतिहास उठा कर देखते हैं तो बहुत पहले से 1600-1700 के बाद नाटक वगैरह जो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के धरातल पर देखने को मिलते हैं, सर, जो कुछ हिंदी साहित्य में नहीं सर, मैं टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा सर, हिंदी साहित्य में नहीं, हमारे लोक नाट्य की परंपरा रही है। आप देखिए दूसरे समाज में हिंदी की बात तो छोड़ दीजिए, समाज में चाहे वो आजकल के आदिवासी समाज में हो, उनकी यहाँ पे एक मूक साहित्य, मतलब एक जो है उनकी जो है अपनी जो है पारंपरिक साहित्य उसमें उनमें जी व्याप्त रहे हैं, और उनमें लोक नाट्य, कहानी, लोक कथा, लोक काव्य आदि जो है मिलते रहे हैं। तो ये परंपरा बहुत ही पुरानी है सर, हिंदी में हमारे भारतीय परिवेश में बहुत पहले से जो है ये जो है समाया हुआ है। हाँ जी जी सर, जी तो वही मैं कह रहा था कि आधुनिक काल में देखिए निरंतर नाटक वगैरह लिखे गए, लेकिन जब मोहन राकेश जब लिखना शुरू करते हैं, उन्होंने भले ही जी बहुत ज्यादा नाटकों की संख्या उनकी नहीं रही है, लेकिन मोहन जी राकेश जब नाटक लिखना कहते हैं, जैसे आप अभी कहते हैं यथार्थ, तो उनके नाटक भले काल्पनिक हो, लेकिन वो एक तरह से यथार्थ की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखे गए हैं। यथार्थ का संदर्भ इससे ये है कि वो नाटक पर जब आप और हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ती है। जैसे हम बात करते हैं उनके नाटकों की, आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजन से, उसमें देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेने पर लेकर के आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद सेंसो की इसको लेकर के लिखा गया है। यहाँ पे एक नाटक की पृष्ठभूमि गुप्त काल रही है, तो वहीं दूसरे नाटक की अगर पृष्ठभूमि देखे तो वो आपको बौद्ध काल के समय ले जा करके जी जाती है। तो जी वही जी चीजें वो आपको यथार्थ से जोड़ती है, मतलब आपको जोड़ती है नाटक अपने आप से। वहीं पे जब हम अभी आधे अधूरे पे से बात कर रहे हैं, तो एक मध्यवर्गीय परिवार की दमित इच्छाएं वगैरह कुछ में दिखाया गया, तो वो भी आपको जोड़ती है। तो वही चीज हाँ मैं जी आप जी मैम, तो आपने जैसा हाँ कहा तो उसी पे मैंने कह रहा था कि ये बात आपने बहुत सही कही, कि हाँ वो जी नाटक सर बिल्कुल यथार्थ के सर, रूप में आपको जोड़ती है स्वयं से। जी सर बिल्कुल सार्थक बात कही कि उन्होंने दमित इच्छाओं को, क्योंकि सर मूलतः समस्या है ना सर, देखा जाए तो मैं अपना बात रखनी चाहूंगी कि मूलतः समस्या है जो मध्यवर्गीय परिवार के साथ में बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। इनके हाथ में जो है वो उनको समेटने की कोशिश नहीं करते हैं, इनके पास में जो उनको समेटने की कोशिश नहीं करते हैं, ये अति की चाह में,
ये अति की चाह में जो है जो होता है अपने साथ में, जैसे मैं आप कह रहे थे कि इनकी जो है दमित जो भी है इच्छाएं या जो भी आकांक्षाएं हैं वो इतनी इन पर हावी हो जाती है कि वे एक दूसरे को, यानी कि यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी नीचा दिखाने में या उनको कुचल कर ऊपर जाने में या अपनी इच्छाएं अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण करने में जो है कहीं भी जो है वो चुपते नहीं। वो चाहे वो किसी भी हद से उनको गुजरना पड़े, वो बेशक रूप से जो है किसी भी हद से या किसी भी सीमा को पार करने के लिए जो है तत्पर तैयार रहते हैं। और यही स्थिति सावित्री के साथ में हम जो है सहसा देख सकते हैं सर। जी जी बिल्कुल 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 मैम जी मैम, तो इन्हीं के साथ मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि उनके अगर कोई द्वंद्व है, कोई प्रश्न है, या कोई अपनी बात वो रखना चाहे तो सादर आमंत्रित है। अगर लिख करके ही नहीं, उनको अगर लिखने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस नाटक के आधे अधूरे के संबंध में उनके मन में कोई भी द्वंद्व या कोई बात भी कहनी हो तो वो कह सकते हैं अपने माइक को या अनम्यूट मुझे करके। कुछ सजेशन देना चाहे तो वो जी भी जी उसके जी लिए, हाँ वो भी आमंत्रित है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि पाठक और शिक्षक का जो संबंध है वो बना रहे किसी जी भी रूप बिल्कुल। तो में। विद्यार्थियों आप आमंत्रित हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो आप सादर आमंत्रित अपनी बात कहें, रखें, अपने प्रश्न पूछें, अपने द्वंद रखें, अपने सुझाव दें, अपनी बातें साझा करें। हेलो, जी हाँ हाँ प्रभास जी कहिए। नमस्कार सर, प्रवास बोल रहा था मैं। जी जी प्रभास जी कहिए, नमस्कार। जी सर, अगर आप क्लास टाइमिंग थोड़ा चेंज करें तो अच्छा रहेगा सर, इस वक्त हमारा थोड़ा काम वाम रहता है ना। देखिए क्लास टाइमिंग में मेरे हाथ की चीज नहीं है, वो विश्वविद्यालय का नियम के अंदर है। उन्होंने दो सेशन मुझे दिया है, एक सुबह वाली एक दोपहर वाली, तो वो मैं विषय विशेषज्ञों से पूछ करके उनसे बातचीत करके उस समय रख सकता हूँ मैं किन्हीं, क्योंकि विषय विशेषज्ञ मेरे अंदर का काम तो नहीं कर रहे ना कि मैं उन्हें फोर्स करूँ कि नहीं सर आप इस समय पे कक्षा कीजिए, वो तो हाँ उनके सर, कक्षा के ऊपर है। जी मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे सर। जी कहिए कहिए मैम। हाँ सर, ये जो है मुझे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे 17 से कॉलेज भी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मुझे भी लगता है कि ये जो टाइम है टाइमिंग सही नहीं बैठ रहा है कुछ। अगर शाम के वक्त, ये संडे हो तो संडे हो तो और भी बेहतर है सर। जी, मैं इसके लिए, क्योंकि मैम देखिए विषय बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सिर्फ अकेले मेरा ही विषय नहीं है, जब विश्वविद्यालय की बात आती है ऑनलाइन क्लासेस पूरे विश्वविद्यालय की चलती है, तो हर हाँ जी विषय वालों की कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है, कभी इनकी कभी उनकी, तो उसमें थोड़ा सा एक होता है सामंजस्य, क्योंकि मैं जो हाँ ये चाहूंगा, क्योंकि हर कोई जो चाहे वो तो पूर्ण नहीं होता ना, जब हम एक संस्थान के अंतर्गत काम करते हैं तो हमें कुछ नियमों के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। जी जी सर, मैम आप भी आबद्ध नियमों जी से हो। जी वही वही बात है, बाकी मुझसे जितना सक्षम हो सकेगा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके लिए मैं प्रभास जी को भी वादा करता हूँ कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा सेकेंड हाफ में रखे, कम से कम सुबह 11 से रखकर 3:30 से 5 वाली कक्षा में रखने का प्रयास करूँ। लेकिन कुछ विषय विशेषज्ञों के सामने मेरी भी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो हाँ ना करें तो फिर उसमें मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ वहां पे। तो जी सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। एक ने मैसेज लिखा है, एक सेकंड मैम, तो वो मुझसे संबंधित कुछ मैसेज। सर व्हेन वी गेट थर्ड सेम बुक्स सॉन्ग्स फेवरेट, मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे सॉन्ग्स फेवरेट नाम से अपनी मैसेज लिख रही है, तो मैं आपको बता दूँ ये किताबें कब जाएंगी। तो ये मेरा काम नहीं है ना, मेरी जिम्मेदारी है किताबें आप तक पहुँचाने का, किताबें वगैरह विश्वविद्यालय पहुंचाती है, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ टोल फ्री नंबर उस पर संपर्क करके अपने रेनरमेंट दे करके पूछिए कि आपकी किताबें क्यों नहीं पहुंची है, कब तक पहुंचेगी। अगर उसमें भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप मुझसे पूछें किताबें कब आपके पास जाएंगी तो ये सही माध्यम नहीं है कि ये संप्रेषण या ये बात पूछने का। जी तो धन्यवाद, आप वहाँ पे एक बार अपने विश्वविद्यालय के टोल फ्री नंबर वहाँ पे कॉल करके पूछे, आपको पता चलेगा। इसके इतर किन्हीं को कुछ इस व्याख्यान से संबंधित, ये नहीं कि आप असाइनमेंट कब होगा एग्जाम कब होगा ये ना पूछे, इस व्याख्यान से संबंधित इस विषय से संबंधित आपके कुछ प्रश्न है, कुछ बात साझा करना चाहें तो आप आमंत्रित हैं, अन्यथा क्योंकि समय भी होता जा रहा है तो उस कक्षा को फिर समापन की ओर लेके जाएंगे। तो मैं जल्दी से 1-2 मिनट का समय देता हूँ, किन्हीं कोई बात अगर रखनी हो पूछनी हो तो अपना बात कहें। जी हाँ
जी मैम, मुझे इसके तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कक्षा को समाप्त करें मैम। हाँ जी सर, जी सर, जी मैम, धन्यवाद मैम आपको कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय आपके कॉलेज वगैरह भी खुल गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट आप रहता है, थोड़ा तो काम ज्यादा रहता है संस्थानों में, तो इस वजह से आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद कि कॉलेज खुलने के उपरांत भी आपने अपने समय दिया और फर्स्ट हाफ में समय दिया, तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों को तो पूर्ण नहीं होती है, तो साधुवाद विद्यार्थियों को, उन्होंने अपना समय दिया, संयम से अपनी आपकी बात सुनी, अपने प्रश्न रखे, और मुझे आशा है कि विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो विद्यार्थियों को धन्यवाद, आभार आपका पुनः एक बार मैम, हमारी तकनीकी सहायकता में जो आज थे देवाशीष बारिक सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सुनने का। जी मैम, धन्यवाद मैम, आप चाहें तो अपनी ओर से कॉल को एंड कर सकते हैं। हाँ जी सर, मैं एंडी कर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपसे विद्यार्थियों के कि आप लोगों ने अपना समय दिया, इसी प्रकार ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला लगातार बढ़ती रहेगी, आप लोग अपनी सहभागिता देते रहें, आप लोग लगातार निरंतर कक्षा में आए, कक्षाएं करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवाशीष सर, रिकॉर्डिंग तो मुझे स्टॉप कर दे, ठीक है सर। हाँ सर, थैंक यू सर। आप विद्यार्थियों, आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध कि कक्षा में अपनी नियमित रूप से कक्षा में आए, कक्षा को सुने और खूब पढ़ें, चूंकि अभी छुट्टी का भी समय है, कई लोगों की, हाँ कई लोग की काम वगैरह भी शुरू हो गया, तो उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी अपना समय दें और थोड़ा सा सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है महामारी का, इसमें बचाव ही बेहतर है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि बचे रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः कल हम लोग नए विषय विशेषज्ञों के साथ पुनः एक बार कक्षा में जुड़ेंगे, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी सहभागिता दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Gracias.